मामू कांजन शहर का पुराना नाम संडिया वाला था। इस शहर का नाम एक सूफी बुजुर्ग मामू कांजन के नाम पर है। आपके वालिद का नाम जीवन था। आपके मुर्शद ख्वाजा पीर शाह कलंदर चिश्ती दरबार गोहरबार मौजा शेखो चिश्तिया नज़्द कबूला शहर में रहते थे। खान जवान ने मियां मामू को कहा कि तुम्हें मेरे मुर्शद के बेटे हजरत पीर शाह कलंदर का मुरीद होना है, क्योंकि मेरे मुर्शद इंतकाल कर चुके हैं और मेरा वक्त भी करीब है। ये लो मेरी गदरी और अस्सा, मैं अपनी विलायत का वारिस तुझे बनाता हूँ। मियां खान जवान मसाल फरमा गए। मामू चचा के फरमान के मुताबिक मुरीद होने के लिए मौजा शेखु चिश्तियां की तरफ रवाना हो गए। चचा की निशानी गदरी और ढांगी साथ थे। हजरत मियां मामू इस दौर के बुजुर्ग है जब मुगल जवाल पजीर हो रहे थे। आपके दो चचा थे, एक का नाम खां मोहम्मद और दूसरे चचा का नाम सत्ती मोहम्मद था। आप दोनों भी बुजुर्ग थे। हजरत मियां मामू हमेशा आपकी खिदमत में रहते, क्योंकि मियां खान मोहम्मद के दो साजदाते हजूर और मामूर शिकार के दिलदार थे और अमूमन बाहर रहते थे। लेकिन हजरत मियां मामू हमेशा आपकी खिदमत में रहते। जब हजरत खान मोहम्मद साहब ने दाई अजल को लब्बई कहा तो इनके दोनों साजदादे शिकार पर थे, लेकिन मियां मामू हसबे मामूल खिदमत में हाजिर थे। लिहाजा आपने इन्हें सीने से लगाया और कहा, हम सफर आखिरत पर जा रहे हैं, मैंने तुम्हें दूध बना दिया है, अब जाग हजरत ख्वाजा पीर शाह जी दीवान लगा देंगे, और देखना मेरी ये ढांगी जिसे आप बकरियां चराया करते थे, ये दो बकरियां और मेरी ये गदरी संभाले रखना। इतना कहकर आप वसाल पा गए और ऐसे ही ये शहर आबाद हुआ। निगाहे फकीर में वो तासीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी।
when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Something at the edge of space.